लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते। एक दोस्त ने अपने नमाज पढ़ने की एक वजह बयान की। बहुत आसानी से मैं नमाजी बन गया। एक दिन मैं क्लास में बैठा था और मेरी क्लास का सब्जेक्ट दीनी तालीम था। जब क्लास टीचर आए तो उन्होंने अपने स्टूडेंट से सवाल किया, आपकी नज़र में कौन लोग नमाज नहीं पढ़ते। एक स्टूडेंट ने बड़ी मासूमियत से कहा, जो लोग मर गए हैं वो नमाज नहीं पढ़ते। दूसरे स्टूडेंट ने शर्मिंदगी से जवाब दिया, जिन लोगों को नमाज पढ़ना नहीं आती वो नमाज नहीं पढ़ते। तीसरा बच्चा अपनी जगह से खड़ा हुआ और निहायत ही माकूल जवाब दिया, जो लोग मुसलमान नहीं है वो नमाज नहीं पढ़ते। इसी तरह एक और बच्चे ने जवाब दिया, जो लोग काफिर है वो नमाज नहीं पढ़ते। पांचवें बच्चे ने जवाब दिया, जो लोग खुदा से नहीं डरते वो लोग नमाज नहीं पढ़ते। तमाम स्टूडेंट ने अपने नजरिए बयान कर दिए, लेकिन मैं सोच में डूब गया, मैं उनमें से कौन सा हूँ? क्या मैं मर गया हूँ? क्या मुझे नमाज पढ़ना नहीं आती? क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? क्या मैं अपने परवरदिगार से नहीं डरता? क्या मैं काफिर हूँ? फिर मैं क्यों नमाज नहीं पढ़ता? मैं अपने आप से कहने लगा, अगर कब्र की पहली रात मुझसे सवाल किया गया, तुम जिंदा थे, नमाज भी आती थी, मुसलमान भी थे, अल्लाह से डरते भी थे, फिर भी तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? मेरे पास क्या जवाब होगा? आखिर कहूँगा मैं क्या? इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गया और रोने लगा। फिर उसी दिन मैंने एक मजबूत इरादा कर लिया, चाहे कुछ भी हो अब कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, हम सभी को एक संजीदा इरादे की जरूरत है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने करीबी लोगों में सवाब की नीयत से जरूर पहुंचा दीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब मुसलमानों को पंजगाना नमाजी बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा, क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए।